दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर आए कुछ नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अपडेट ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है या कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने बाइटी स्टूडियो को ओपन किया हुआ है और मेरे चैनल का यहाँ पर डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने बाइटी स्टूडियो को प्ले स्टोर से यहाँ पर अपडेट कर लेना है, उसके बाद ही दोस्तों आपको इसे ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालिटिक्स के अंदर यहाँ पर दोस्तों मेरा वॉच टाइम है, व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर हैं, लेकिन दोस्तों उसके आगे यहाँ पर एरो शो हो रहा है जो कि दोस्तों पहले नहीं होता था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर शो होता था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ग्रीन एरो आ चुका है और ये आपका अगर ग्रीन है तो ये आपका चैनल यानी बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है। अब दोस्तों मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरी जो लास्ट वीडियो है उसका जो परफॉर्मेंस है उस पर भी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एरो का जो ग्रीन एरो है यहाँ पर शो हो रहा है जो कि दोस्तों पहले यहाँ पर ऐसा नहीं शो होता था। जो कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर टिक मार्क आता था, लेकिन जो एवरेज परसेंटेज व्यू है उस पर यहाँ पर एरो ही आता था। तो ये कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। और नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी वीडियो है उसके टाइटल के नीचे भी यहाँ पर जो हमारा पब्लिक का जो आइकन है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है, यानी यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि आप दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर मोनेटाइजेशन का आइकन भी यहाँ पर चेंज हो गया है। तो मैं चलता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोनेटाइजेशन का, पब्लिक का यानी विजिबिलिटी का यहाँ पर आइकन चेंज हो गया है। अब दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं जो कि एडिट का आइकन है और शेयर का आइकन है और यूट्यूब पर प्ले करने का जो आइकन है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है। अब दोस्तों मैं चलता हूँ अपने चैनल के एनालिटिक्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आप जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे रियल टाइम जो व्यूज़ हैं उस पर भी एरो आ गया है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर केवल चेंजेस में यहाँ पर सारी जगह पर एरो यहाँ पर शो करने लगा है। अब दोस्तों मैं नीचे चलता हूँ तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन एरो शो हो रहा है। तो अपडेट यहाँ पर कुछ ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, हालांकि मुझे अच्छा लगा यहाँ पर एरो शो करता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। ग्रीन एरो होता है तो हमारा ऐसा चैनल लगता है कि यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो आपका जो चैनल है अगर उस पर ग्रीन शो हो रहा है तो आपका चैनल ग्रो कर रहा है, अगर नीचे यहाँ पर नीचे की ओर है जो डाउन एरो आ रहा है तो आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों यहाँ पर रीच में भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एरो आ चुका है, ग्रीन एरो यहाँ पर शो कर रहा है। इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट और इंप्रेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों मैं इसको एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चलिए मैं एक और बार करता हूँ इसे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन एरो आ चुका है और डबल एरो यहाँ पर हो गया है। तो यही दोस्तों अभी थोड़ी यहाँ पर सभी वीडियो अगर सभी यहाँ पर स्टूडियो पर यहाँ पर अभी लागू नहीं हुआ है, अभी कुछ यहाँ पर बाकी है क्योंकि यहाँ पर अभी पूरी तरीके से इसे लॉन्च नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कभी कभी यहाँ पर एरो चला भी जाता है मेरा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ से गायब हो गया है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे सभी यूट्यूब स्टूडियो पर यहाँ पर ये शो होने लगेगा। तो भी आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर ऑडियंस के अंदर चलता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रेवेन्यू के अंदर और ट्रांजैक्शन और आरपीएम में एक बार इसे स्कैन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है अभी इसमें, लेकिन यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर ये सक्सेसफुली यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर। तो ये अपडेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर ग्रीन एरो शो हो रहा है तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। मैं इसके अंदर भी चल के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट 28 दिन के व्यूज़ हैं उस पर भी यहाँ पर ग्रीन एरो शो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा जो अपडेट है वो ग्रीन एरो को लेकर है और टाइटल के नीचे जो थोड़े बहुत जो आइकन है उसको भी यहाँ पर चेंज किया गया है। तो आप भी चेक कीजिए दोस्तों आपके यूट्यूब स्टूडियो को यहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं, और अपडेट नहीं हुआ है तो आप उसे प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा। और यही अपडेट मुझे दोस्तों आपको बताना था। आई होप कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा और हमारी जो जानकारी है वो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।